राधे राधे दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2023 में यानी कि इस साल कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाया जाएगा, 6 सितंबर को मनाया जाएगा या फिर 7 सितंबर को मनाएगा। इस असमंजस में काफ़ी लोग पड़े हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सारे दुविधा को दूर कर दूंगी। तो आप लोग बस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा और पसंद आएगा वीडियो तो कृष्ण जी के नाम से एक लाइक कर दीजिएगा और राधे राधे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। साथ ही मैं आपको बताऊँगी कि पूजा विधि क्या है और रोहिणी नक्षत्र कब से चढ़ रहा है, क्योंकि देखिए रोहिणी नक्षत्र में पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। हर साल कृष्ण जन्माष्टमी भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार द्वापर युग में इस तिथि को भगवान श्री कृष्ण का आधी रात को जन्म हुआ था, उस समय रोहिणी नक्षत्र भी था, इसीलिए कृष्ण जन्माष्टमी रोहिणी नक्षत्र में ही मनाना शुभ होता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार सृष्टि के पालन कर्ता कहे जाने वाले भगवान श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार प्रभु श्री कृष्ण हैं और कृष्णा जी के जन्मदिन के इस शुभ अवसर पर इस दिन को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। लेकिन इस साल जन्माष्टमी कब है, चलिए मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। देखिए दोस्तों, रोहिणी नक्षत्र जो है ना 6 सितंबर को सुबह 9:20 से शुरू हो जा रहा है, यानी कि चढ़ जा रहा है, और 7 सितंबर को सुबह 10:25 तक समाप्त हो जाएगा। मतलब कि 6 सितंबर को सुबह 9:20 से शुरू होगा और 7 सितंबर सुबह 10:25 तक रहेगा। ऐसे में देखिए गृहस्थ जीवन वाले जो लोग हैं, जिनके लिए 6 सितंबर को जन्माष्टमी का त्योहार मनाना बहुत शुभ होगा, उत्तम होगा। इस दिन रोहिणी नक्षत्र है, रात्रि का पूजन मुहूर्त भी बन रहा है, बाल गोपाल का इसी दिन रात्रि में जन्म भी हुआ था, इसीलिए इस साल 6 सितंबर को मथुरा में भी जन्माष्टमी मनाया जा रहा है। तो आप लोग 6 सितंबर को ही मनाइएगा, क्योंकि 6 सितंबर को ही रात में है जो कृष्ण जी के जन्म होगा, तो आप लोग बेझिझक 6 सितंबर को मना सकते हैं। ये दोस्तों अब जानते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। तो दोस्तों देखिए, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूजन का शुभ मुहूर्त है 6 सितंबर 2023 को रात 11:57 से 7 सितंबर को सुबह 12:42 तक रहेगा। तो जन्माष्टमी के पूजा करने का जो शुभ मुहूर्त है यही है, तो आप लोग इसी शुभ मुहूर्त में पूजा कीजिएगा तो सबसे ज़्यादा शुभ होगा। चलिए अब आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे देती हूँ। देखिए, जन्माष्टमी व्रत में अष्टमी के उपवास से पूजन और नवमी के पारण व्रत की पूर्ति होती है। इस व्रत के एक दिन पहले यानी कि सप्तमी के दिन हल्का और सादवी भोजन ही करना चाहिए। इस दिन भूल करके भी लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि लहसुन और प्याज जो होता है ना तामसिक श्रेणी में रखा जाता है। साथ ही इस दिन भूल करके भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, एकदम सदा सर्वदा खाना खाइएगा। तुलसी के पत्ता आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भूल करके भी नहीं तोड़ना है। देखिए, श्री कृष्णा जी जो हैं विष्णु के अवतार माने जाते हैं और तुलसी विष्णु जी के बेहद प्रिय है। ऐसे में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भूल करके भी आपको तुलसी के पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा में कृष्ण जी को अर्पित करने के लिए आप एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ता तोड़ के रख लीजिए। तुलसी, क्योंकि देखिए तुलसी के जो पत्ता होता है उसे हम बासी नहीं मानते हैं, तो एक दिन पहले ही आप लोग तोड़ के रख लीजिए, फिर दूसरा दिन आराम से तुलसी के पत्ता चढ़ा दीजिए उस पर गंगा जल छिड़क करके। क्योंकि देखिए तुलसी के पत्ता को हम तोड़ेंगे तो विष्णु भगवान बहुत ज़्यादा नाराज हो जाएंगे, तो फिर आपको व्रत रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये इन सब छोटी छोटी बातों को हमें बहुत ज़्यादा ध्यान से रखना है। अब सुनिएगा, अगर जो लोग व्रत नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर रहे हैं किसी समस्या के वजह से, तो उनको भूल करके भी उस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। जिस तरह से एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना जाता है, ठीक उसी तरीके से जन्माष्टमी के दिन भी यदि आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो भी आपको चावल नहीं खाना चाहिए।
कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भूल करके भी आपको गाय को नहीं सताना मारना चाहिए, क्योंकि देखिए कान्हा को गाय बेहद प्रिय है। बचपन में वे ग्वाल बाल के साथ गाय चराने जाया करते थे, इसीलिए जन्माष्टमी या किसी भी दिन गाय को या फिर उसके बछड़े को भूल करके भी नहीं मारना चाहिए, नहीं सताना चाहिए, नहीं तो कृष्ण जी रूठ जाते हैं। गायों को बल्कि सेवा करना चाहिए और उन्हें अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसा लगा? अगर थोड़ा सा भी इससे आपको नॉलेज मिला है, ज्ञान मिला है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में हरे कृष्ण जरूर लिखिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।